चंद आगाज करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं अमृतपाल दी, जिसकी की पाल लगातार जारी है। हाले भी ऑपरेशन अमृतपाल जारी है, 14वें दिन भी पुलिस के हाथ पर खाली रहे। हुशियारपुर के पिंड मरनाइया इनोवा गड्डी तो हूँ कुछ कपड़े ते कंबल मिलन की जो जानकारी मिल रही है, यह उही गड्डी है जिड़ी की जिसका कि पिछा पुलिस वालों किया जा रहा है, जिड़ी की गुरुद्वारा साहब जाके रुकी। तो इस जो मौजूद लोग सन वो मौके तो फरार होने कामयाब रहे। मरनाइया पिंड के गुरुद्वारा साहब इनोवा गड्डी छड़ के नौजवान भजे सन। मरनाइया के आले दुआले के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की हले भी इतने तैनाती नजर आ रही है। नाके लगाए गए हैं, गड्डिया की चैकिंग की जा रही है। हुशियारपुर तो फगवाड़ा वल सड़क से लगे पुलिस के नाके भी नजर आए हैं। उतें ही ड्रोन की भी जी है मदद ली गई है, जिस नाल तस्वीर तुहानू असीं बीते दिन भी दिखाई सन। सो फिलहाल ये जिहड़े नाके लगे हुए हैं थां थां उत्थे इनोवा गड्डी चो कंबल ते दस दी के कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं, जिसके बारे भी जांच पड़ताल की जा रही है। साडे नाल योगेश साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। योगेश, 14वां दिन है ऑपरेशन अमृतपाल नूं, लेकिन इत्थे भी हुशियारपुर जिस तरह के नाल लगातार इत्थे इनोवा गड्डी तो बाद तलाशी ली जा रही है, तीजा दिन है अज्ज की कुछ फिलहाल की जानकारी की तस्वीर है? जी दादा, 28 मार्च शामी 7:40 तो आप हर वो हालात दिखा रहे हैं जो जो पड़ा दर पड़ा अगे वे दिखाई दे रहे हैं। 14वें दिन ऑपरेशन पहुंच गया है, पर पुलिस के हाथ हर पासों खाली नजर आ रहे हैं। कड़ियां जोड़न की कोशिश की जा रही है। कल ड्रोन की मदद ली गई, सेंट्रल एजेंसी जड़ियां आई उन्होंने वालों ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, एक मैप तैयार किया गया, उन्होंने नठन की व्योंतबंदी तैयार की गई भी वो कि रोड से जा सकते हैं, किधर की साइड नट सकते हैं, किधर उन्होंने मदद हो सकती है। तो हम बीते कल जी एक उन्होंने इनोवा की जी एक वीडियो सामने आई है, ये उही इनोवा कार है जिहड़े दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी इनोवा कार मरनाइया पिंड दे विच दो व्यक्ति छड़ के फरार हो गए सी, और उन्हां व्यक्तियों की लगातार भाल जारी है। और सवेर तक की जानकारी यह है दादा कि फगवाड़ा रोड से हले भी उस तरह नाकेबंदी की गई है। पिंड मरनाइया दे विच उस तरह ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात ने। हुण राधा सानों अहम जानकारी आपां अपने दर्शकों नूं देना चाहांगे। हुण जिहड़ी कार दे पिछे कार सेवा तो थले कुछ संतां दे नाम लिखे हुए हैं, एक लंगर सेवा का नाम लिखा है, हुण वो कड़ियां जोड़न की कोशिश कर रही है पुलिस। जिहड़ियां सेंट्रल एजेंसी हैं उन्हां संतां पुरखां कोल जा रहे हैं, उन्हां को पुछगिछ की जा रही है, उन्हां तो पूछा जा रहा है कि यह गड्डी उन्होंने डेयरी की है या नहीं, जे है तो उन्होंने कौन सेवादार यूज करता सी। हुण अजिहियां कड़ियां जोड़न ते पुलिस लगातार जुड़ी हुई है, सीसीटीवी लगातार खंगाले जा रहे हैं। यह जानकारी आप अपने दर्शकों को पहले भी दे चुके हैं राधा कि डेरिया की भाल की जा रही है, डेरिया में तलाशियां जांच की जा रही है, तलाशी की जा रही है। हुण यह कड़ी जोड़न की कोशिश की जा रही है कि जिहड़ी इनोवा कार के पिछे कार सेवा दे थले जिहड़े संत पुरखां दे नाम लिखे सी अते जिहड़ी लंगर सेवा का एक गल लिखी सी उहदे बारे नहीं लगा सकी है। सो अजे विचकार पुलिस दे प्रशासन दी जिहड़ी हुण तक कारवाई रही है वह भी सवालां दे घेरे विच है, उत्थे ही वड्डा चैलेंज लगातार बनिया होया। जी राधा, जो असीं लोकां नाल गल करदे हां तां लोकी हुण डरे हुए ने, लोकी हुण कैमरे दे मूहरे आण ते कुछ भी बोलण तों मना करदे हन, क्योंकि लोकां दे मन च डर है कि उह जे सरकार दे बरखलाफ बोलणगे तां शायद उहनां नूं अमृतपाल दे समर्थक दस के उहनां नूं चक लिया जाएगा, ते जेकर उह प्रशासन दे खिलाफ बोलणगे तां उहनां ते कारवाई कीती जाएगी। सो लोक चाहे कैमरे दे सामने कुछ नहीं बोल रहे राधा, पर लोकां दा सीधे तौर ते हुण इह कहना है कि 18 मार्च तों लै के जिहड़ी अज तक दी कारवाई है उह बिल्कुल उसका जिम्मेवार प्रशासन है, उसकी जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि जे सरकार प्रशासन वालों पुलिस प्रशासन वालों जिहड़ा पहला ही पुलिस विभाग वालों पहला ही इहनूं सुचजे ढंग नाल कीता जांदा तां अज शायद अमृतपाल गिरफ्त च हुंदा। जिहड़ियां वीडियो और ऑडियो आ रही है लोग सीधे तौर पर यह गल कह रहे हैं कि यह एक चुनौती है, एक सीधी तौर पर चुनौती दी जा रही है, और कामयाबी नहीं मिल पाना, अपने आप कई सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश फिलहाल की सारी जानकारी।